गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम वापस आए, और जैसा कि आप लोगों ने बोला था, एकदम व्हाइट बोर्ड सेशन होने वाला है। डिटेल में जाएंगे डेटा अवेलेबिलिटी को लेके, डिटेल में जाएंगे डेटा अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, इरेजर कोडिंग क्या होती है, क्यों डेटा अवेलेबिलिटी एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, और क्यों आजकल सब लोग ट्विटर पे सिर्फ और सिर्फ डेटा अवेलेबिलिटी की बातें कर रहे हैं। ऑफ कोर्स देयर आर रीजंस फॉर दैट। सेलेस्टिया आया, सेलेस्टिया का टोकन आया, वो इतना ऊपर पहुंच गया, $13 बिलियन की उसकी मार्केट कैप हो गई। दिस इज वन ऑफ द रीजन। पर दूसरा जो रीजन है उसको टटोलेंगे, टेक्नोलॉजिकली डेटा अवेलेबिलिटी क्या है, उसकी जरूरत क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और उसके लिए वी हैव आर वेरी ओन प्रबल, हु यूज्ड टू वर्क एट पॉलीगॉन। वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर एट पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन में यूज्ड टू लीड द डेटा अवेलेबिलिटी टीम ओवर देयर, हेड ऑफ रिसर्च। उसके बाद अवेल जो था वो पॉलीगॉन से बाहर निकल के आया। इट्स बीन लाइक एन ईयर ऑलमोस्ट सिंस अवेल केम आउट ऑफ पॉलीगॉन, और अवेल अब पूरी तरह से डेटा अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर काम करता है, और लाइक यू नो देयर टेस्टनेट आई थिंक इज ऑलरेडी लाइव। सो उसके बारे में, डेटा अवेलेबिलिटी स्पेसिफिकली उसके बारे में जानेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। 2017 के अंदर लेयर वंस की बात चल रही थी कि नए नए लेयर वंस आ रहे थे, और उसी के अंदर एक इथेरियम नाम की चीज आई थी, दैट मेड अ लॉट ऑफ स्कोप। और 2017 में दैट वाज द होल नैरेटिव, नए लेयर वंस आ रहे थे पर इथेरियम वाज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, राइट। 2020-21 के अंदर डीफाई समर जब हुआ तो इथेरियम को वो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम झेल नहीं पाया, और इसीलिए लेयर टूज की बात होने लग गई थी, एंड पॉलीगॉन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वन जिसको हमने और प्रबल ने एक साथ देखा था। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वन जिसने लेयर टू की बात करी थी, मॉड्यूलराइजेशन की बात करी थी, और उसके अंदर जो बेसिकली सेटलमेंट है उसको इथेरियम पे रखा था, और जो ट्रांजेक्शन वो एक नई लेयर टू के ऊपर रखी थी। दैट्स हाउ मॉड्यूलराइजेशन केम थ्रू। अब जो होने जा रहा है वो एक थर्ड लेयर एड कर रहा है इन द होल मॉड्यूलर स्टैक। पहले लेयर वन से चालू हुए, फिर हमने लेयर टू बनाया, अब एक डेटा अवेलेबिलिटी की लेयर ला रहे हैं ताकि जो डेटा है ब्लॉकचेन का वो इथेरियम के ऊपर सेटल ना हो। द स्टेट ऑफ द ब्लॉकचेन रिमेन्स ऑन अ डेटा अवेलेबिलिटी लेयर, द कंसेंसस माइट बी यूज्ड ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी लेयर, एंड दैट्स हाउ फुल मॉड्यूलराइजेशन हैपेंस इन द होल वेब थ्री सिनेरियो, और हमें बेस्ट एक्सपीरियंस देखने को मिले। एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है, जब मैं प्रबल से लाइक नो आई मेट हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन इंडिया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि इधर मोस्ट एलवंस इन द वर्ल्ड, एंड ही कैन करेक्ट मी, मोस्ट एलवंस इन द वर्ल्ड वुड आफ्टर दिस पर्टिकुलर बुल मार्केट और दिस पर्टिकुलर लाइक यू नो ईयर और नेक्स्ट माइट, या तो वो एक लेयर टू बन जाएंगे या फिर वो एक डेटा अवेलेबिलिटी की चेन बन जाएंगे। तो उसी को लेके नियर ने ऑलरेडी अपने इंटेंशन दिखा दिए। सेलो के अंदर भी लेयर टू की बातें चल रही है, नियर अभी एक डेटा अवेलेबिलिटी लेयर बनने की कोशिश कर रहा है। देयर आर टॉक्स फॉर दैट, और भी बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही है। तो डेटा अवेलेबिलिटी को जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, और उसके मिथ्स, व्हाट डेटा अवेलेबिलिटी इज नॉट, व्हाट डेटा अवेलेबिलिटी इज, डेटा अवेलेबिलिटी क्यों जरूरी है, डेटा अवेलेबिलिटी के थ्रू ये जो लाइट क्लाइंट जो बहुत सालों से बन रहा था इथेरियम में वो फाइनली कैसे इनेबल होता है, एंड हाउ सोवरेन रोलअप will change the scenario of Web3 and they are possible with data availability. इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे प्रबल के साथ, who is now the co-founder of Avail. So first of all, Prabal, welcome to Web3 की दुनिया. I think it's the first time coming to Web3 की दुनिया. कैसा लग रहा है इतने like you know इतने सालों बाद Web3 की दुनिया में आके? It is I think one of the 170th show and one of the most awaited. Everybody wanted to discuss data availability. नहीं नहीं बहुत बढ़िया लग रहा है, थैंक्स फॉर हैविंग मी। लाइक बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, कभी कभी स्निपेट्स देखता हूँ, कभी कभी कुछ कुछ वीडियो स्नैपशॉट्स देख लेता हूँ, कभी कभी लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं तो वो देख लेता हूँ, कभी कभी पूरे एपिसोड्स भी देखे हैं। तो इट बहुत बढ़िया लग रहा है आने में, एंड बहुत दिनों से सोच रहा था कि मेरे पुराने मित्र आप कभी आप मुझे भी बुला लो यहाँ पे, तो roommates used to be roommates, yes हम लोग एक वो स्टोरी कभी बाद में आप बता देना अपने व्यूअर्स को, बट हाँ मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।
बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई थिंक हमारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको सबसे ज्यादा जरूरी अभी डेटा अवेलेबिलिटी की नॉलेज होना, लेयर टू की नॉलेज हमने पिछले साल दी थी, सेटलमेंट कैसे होता है, कैसे इथेरियम के ऊपर गारंटी रहती है सेटलमेंट की, बट जो ट्रांजेक्शन है वो लेयर टू पे हो पाते हैं। तो प्रबल, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स वुड बी कि व्हाई डेटा अवेलेबिलिटी, व्हाई इज दिस अ बिग थिंग, मतलब क्यों डेटा अवेलेबिलिटी पूरे वेब थ्री ट्विटर के अंदर सिर्फ डेटा अवेलेबिलिटी की बातें हो रही, व्हाई 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 डेटा अवेलेबिलिटी इज अ नेसेसरी प्रॉब्लम टू बी सॉल्व इन ब्लॉकचेन। देखिए, द मेन क्रक्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए कि डेटा अवेलेबिलिटी हमेशा से ही एक फाउंडेशन रहा है फॉर ब्लॉकचेन्स। एंड ये सब कभी कभी ये सब बातों में वो खो जाता है कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ ब्लॉकचेन, एक ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, उसका मेन रोल क्या होता है, एंड उसको कैसे मॉडल किया जाता है इन एन एकेडमिक व्यू पॉइंट और इन अ थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव, राइट। तो रफली एक ब्लॉकचेन कभी कभी बुलेटिन बोर्ड की तरह काम करता है। ब्लॉकचेन क्या करती है कि आप ट्रांजैक्शंस वहां पे डालते हो, वो ट्रांजैक्शंस को मोमेंटरीली पब्लिश करता है और पब्लिश करने के बाद उसके ऊपर कुछ कॉम्प्यूटेशन करता है। ये ट्रेडिशनल मॉडल है ब्लॉकचेन का। अगर आप बिटकॉइन के बारे में सोचोगे, बिटकॉइन क्या करता है कि वो जो यूटीएक्सओ का जो पूल है, जो अनस्पेंट ट्रांजैक्शंस जो पूल है, वहां से कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस लेके एक ब्लॉक बनाता है, उसी को हम लोग माइनर बोलते हैं, राइट। तो वो लेता है, उसको पब्लिश करता है एज द लेटेस्ट ब्लॉक। ये पब्लिश जब हो गया तब हर कोई उसको वेरीफाई भी करता है एंड देन एक्सेप्ट करता है। तो रफली बिटकॉइन भी डेटा अवेलेबिलिटी पे काम कर रहा है इन सम सेंस, राइट। लेकिन हम लोग वैसे बोलते नहीं है क्योंकि उसका मॉडल क्या है, उसका मॉडल बहुत ही, उसके ऊपर एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसके ऊपर एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि वेरीफाई करता है कि एक्चुअली में मैंने ही साइन किया था अपना ट्रांजैक्शन। जितने इनपुट्स हो रहे हैं उतने ही आउटपुट्स भी हो रहे हैं, एटलीस्ट दैट और लेस देन दैट आउटपुट्स हो रहे हैं एंड ऑल दैट। सो दैट इज द वेरिफिकेशन दैट इज डन इन बिटकॉइन। इथीरियम पे क्या होता है, इथीरियम पे उनका जो व्यू पॉइंट था वो था वी विल ट्राई टू मेक अ वर्ल्ड कंप्यूटर, राइट। तो उसके व्यू पॉइंट से इथीरियम आया था, इट वॉन्टेड टू रेवोल्यूशनाइज, क्योंकि उनको पता था कि बिटकॉइन इज अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बट देयर इज सो मच मोर कैन बी डन विद इट, राइट। तो उनको उनका पोटेंशियल एक्चुअली में पूरा हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, एंड इसके वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि ठीक है, ना ही हम लोग ट्रांजैक्शंस लेके पब्लिश करेंगे, उसको कोई एक बंदा जो ब्लॉक प्रोड्यूसर है वो एग्जीक्यूट भी करेगा और उसका फाइनल जो आउटकम है उसका भी एक स्नैपशॉट इसके साथ जाएगा, राइट। तो अभी आप देख सकते हो कि इथीरियम में हर ब्लॉक के अंदर उसके हेडर में उसका स्टेट रूट रहता है, स्टेट रूट रहता है, ट्रांजैक्शन रूट रहता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो क्या करता है, वो एक स्मॉल डाइजेस्ट रख देता है फॉर द एंटायर ट्रांजैक्शन, बट एट द सेम टाइम वो बहुत सारे एग्जीक्यूशन भी करता है, एग्जीक्यूशन करके उसका रिजल्ट भी देता राइट है। राइट, एक चीज मैं एक जो, बार इथर हाँ स्कैन पे जो आप बोल रहे हो उसको थोड़ा अपन समझते हैं डिटेल में, बिकॉज ये टेक्निकल व्हाइट बोर्ड सेशन है। सो आप बोल रहे हो कि सपोज मैंने एक ब्लॉक लिया उसके यस, अंदर, हाँ क्या बता रहे थे? हाँ। तो उसके अंदर अगर आप देखोगे उसका जो ब्लॉक हाइट है, अभी आप मोर डिटेल्स पे थोड़ा क्लिक करो, ये देखो आप उसके पास वो देख रहे हो स्टेट रूट, ये सब हम लोग देखते नहीं है, देखते नहीं है, हाँ इसलिए इथर स्कैन भी वो बोलता है कि दिस आर एडिशनल डिटेल्स, ये सब अंडर द कारपेट है, राइट। क्योंकि वो कोई किसी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि ना ही, जैसे हम लोग क्या ब्लॉकचेन हम लोग सबसे बेसिक कैसे समझाते हैं कि इट्स अ चेन ऑफ ब्लॉक्स एंड चेन ऑफ ब्लॉक, उसका अपेंड ऑनलीनेस या फिर इम्यूटेबिलिटी कहाँ से आता है कि एक ब्लॉक में पिछला ब्लॉक का एक एक पॉइंटर रहता है, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट हैश। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसका खुद का हैश है, उसका पेरेंट का हैश है, फिर उसका एक स्टेट रूट है। स्टेट रूट पे क्या हो रहा, क्या रहा है एक्चुअली। कभी कभी आप ये ट्विटर में और बहुत सारे एकेडमिक जर्नल्स हैं वहां पे आप देख सकते हो कि कभी
कभी कभी लोग बोलते हैं कि ये स्टेट ट्रांजिशन मशीन है, ये ब्लॉकचेन इज अ स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन, राइट, एक स्टेट ट्रांजिशन मशीन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके जो आपका एक स्टेट है, आपके पास एक वर्ल्ड स्टेट है, उसके ऊपर कुछ ट्रांजैक्शंस आते हैं जो उस वर्ल्ड स्टेट को मॉडिफाई करते हैं। ये ब्लॉकचेन उसी का लेजर है, उसी का लेजर है ब्लॉकचेन, राइट? तो राइट, सो बेसिकली मेरे पास एक एड्रेस है और मैंने एक बेसिकली मेरे पास एक एड्रेस है और उसका अभी सपोज एक इथेरियम है उसके अंदर, उसके बाद मैंने एक ट्रांजैक्शन किया जिसके बाद मुझे एक इथेरियम से 100 यूएसडीसी मिल गए फॉर एग्जांपल। So, ये स्टेट ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम मेरे पास सपोज 99th ब्लॉक तक एक इथेरियम था और 100वें ब्लॉक पे स्टेट ट्रांजिशन हुआ स्टेट ट्रांजिशन मशीन के द्वारा जो इथेरियम है और 100वें ब्लॉक के ऊपर मुझे यूएसडीसी मिल गया, राइट? उसकी इंफॉर्मेशन के स्टेट रूट में होती, इज दैट एग्जैक्टली? तो 99th ब्लॉक में जो रूट है उसका कोई एक लीफ में आपका स्टेट पड़ा है। एंड अगेन आई एम सिंप्लीफाइंग, उतना सिंपल है नहीं, थोड़ा स्टोरेज रूट एंड स्टेट रूट एंड नेटिव टोकन एंड लाइक इन ईओए वॉलेट्स बहुत कुछ डिफर कर जाता है, बट एब्स्ट्रैक्टिंग दैट ऑल आउट, आपका जो बैलेंस है वो इस स्टेट रूट में 99th बंदे का स्टेट रूट अलग था। जैसे इसका ब्लॉक नंबर मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बट जो भी ब्लॉक नंबर है यहाँ पे इसका जो स्टेट रूट है, हाँ जो भी 93 है, राइट, लास्ट में यस 93 है, तो 93 में आपका सपोज अभी आपका यूएसडीसी है और 0.5 ईथ है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये स्टेट रूट में एम्बेडेड है। ओके, इट्स अ क्रिप्टोग्राफिकल, इट्स अ क्रिप्टोग्राफिक डाइजेस्ट ओवर आपका स्टेट एंड सबके स्टेट, सबका स्टेट मिला के ये चीज बना है। और पिछला स्टेट मतलब प्रीवियस ब्लॉक में अगर मैं जाऊं, पेरेंट हैश में अगर मैं क्लिक करूं, वहां पे भी पेरेंट हैश जो है वो आप क्लिक कर सकते हो, वो क्लिक करोगे तो पिछला ब्लॉक मिलेगा जहां पे इन योर एग्जांपल वो था 1 ETH, उसका जो स्टेट है उसके ऊपर जो रूट है वो ये स्टेट रूट है। तो एसेंशियली एवरी एवरी ब्लॉक इज अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच मॉडिफाइड माय एग्जिस्टिंग स्टेट, ऐसे भी हम लोग एक ब्लॉकचेन को समझ सकते हैं, राइट? इट्स अ क्लासिकल मॉडल। बेसिकली यहाँ पे अगर देखें तो ये मेरा स्टेट रूट है ब्लॉक का, है ना? यस। और इसके अंदर ऐसे करके लीव्स होंगे, ऐसे करके बहुत सारा लीव्स होंगे, राइट? और यहाँ पे मेरा अकाउंट है जहाँ पे मेरे पास सपोज 99th ब्लॉक तक यहाँ पे एक इथेरियम था मेरे एड्रेस में, zkpranav.eth फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा ENS एड्रेस है, उसके अंदर एक इथेरियम था। अब 100वें ब्लॉक के अंदर क्या होगा कि ये, सॉरी, 100वें ब्लॉक के अंदर ऐसा होगा कि ये जो स्टेट लीफ है, ये जो मेरी लीफ है, इसमें चेंज हो जाएगा एंड इट विल बिकम 100 यूएसडीसी इंस्टेड ऑफ 1 इथेरियम, राइट? ये स्टेट ट्रांजिशन है और ये स्टेट रूट इसका जो है वो यहाँ पे एक इथेरियम स्टोर कर रहा है और यहाँ पे जो स्टेट रूट है वो 100 USDC मेरे एड्रेस के लिए स्टोर कर रहा है। इज दैट द करेक्ट वे? एंड दिस स्टेट ट्रांजिशन इज बेसिकली व्हाट ब्लॉकचेन्स आर, बेसिकली एकदम कोर लेवल। एग्जैक्टली, ये कोर लेवल पे ये ऐसा है। देयर आर आल्सो अ लॉट मोर डीपर दैट वी कैन गो और भी हाई लेवल पे भी हम लोग समझा सकते हैं। ऑन अ डीपर लेवल इसी का जो रूल्स है, ये जो आपने ट्रांजिशंस बताए, इसी का रूल्स डिफाइन हुआ है ईवीएम में, राइट? इथेरियम के, इथेरियम का जो हम लोग बोलते हैं वर्चुअल मशीन है, वो वर्चुअल मशीन ही डिटरमाइन करता है कि कौन से एग्जीक्यूशंस वैलिड है, कौन से ट्रांजिशंस वैलिड है, कौन से ट्रांजिशंस वैलिड नहीं है, राइट? ओके, ये और भी डीप लेवल पे हम लोग जा सकते हैं, बट ऑन एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऐसे हम लोग सोचते हैं कि या ब्लॉकचेन इज समथिंग लाइक आपके पास एक स्टेट है S0 या फिर स्टेट रूट बोल सकते हो, ये स्टेट रूट एट सम ब्लॉक हाइट H से एट सम हाइट 0, इसको हम लोग बोलते हैं जेनेसिस। इसके ऊपर में कुछ ट्रांजैक्शंस इनएक्ट होके ये होता है स्टेट 1, इसके ऊपर और भी ट्रांजैक्शंस इनएक्ट होके ये होता है स्टेट 2 एंड सो ऑन, राइट?
ये है रफली एन एग्जीक्यूशन वर्जन ऑफ ब्लॉकचेन, एग्जीक्यूशनल वर्जन. और ये जो ट्रांजेक्शन है इसका अवेलेबिलिटी इज द डेटा अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ओह, सो बेसिकली दैट ट्रांजेक्शन फ्रॉम मी हैविंग वन इथेरियम टू 100 USDC, ये जो ट्रांजेक्शन है जो मेरे एड्रेस का फ्रॉम एक इथेरियम से 100 USDC, और उसी ब्लॉक के अंदर 10 लोगों ने और चीजें करी होंगी, अपने एड्रेस को इधर से उधर ट्रांसफर किया होगा, उसको बोलते हैं डेटा अवेलेबिलिटी. इज दैट करेक्ट? वो ट्रांजैक्शनल डेटा होना हमारे पास इज डेटा अवेलेबिलिटी. अगेन कुछ कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये भी फुल व्यू नहीं है, एंड आई वुड अग्री, क्योंकि ट्रांजैक्शनल डेटा कुछ कुछ लोग नहीं भी रखते, कुछ लोग स्टेट डेल्टा रखते हैं. वो लोग क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं पूरा ट्रांजैक्शन डेटा नहीं पुश करता हूँ, मैं सिर्फ ये जो दो स्टेट्स है इसका जो डेल्टा है वो ही मैं सिर्फ सेव करूंगा. तो वो भी इज अनदर फॉर्म ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी जो यूज होता है. टू गिव थिंग, टू कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, ट्रांजैक्शनल डेटा स्टोर करते हैं थिंग्स लाइक ZK, पॉलीगॉन ZK, EVM, स्क्रॉल एक्सेट्रा, और ये ट्रांजैक्शनल डेटा स्टोर करते हैं पीपल लाइक ZK सिंक, स्टार्कनेट एंड सो ऑन, राइट? सो डेल्टा, अगेन जो डेल्टा स्टोर, डेल्टा एग्जैक्टली. अगेन मैं इथेरियम पे जाता है, अगर मैंने ले वो इथेरियम पे जाता है. तो I will try to give one more perspective for this. Like L2, आपने पहले ही बोला है कि L2, you have already, you know, explained to your viewers कि L2 क्या है. But L2 सोचने का और एक तरीका भी है, वो ये है कि मेरे पास S0, सपोज मेरे पास ये जो S0 मैं बोल रहा हूँ, ये S0 मेरे पास वेरीफाइड है. मुझे किसी ने S1 दिया तो मैं उसको वेरीफाई कैसे करूंगा, ये S1 को मैं वेरीफाई कैसे करूंगा? S0 वेरीफाइड है, मतलब इथेरियम ने बोल रखा है कि ये जो लेयर 2 के ऊपर स्टेट 0 हुआ है. सपोज आप, सपोज इथेरियम के बारे में बाद में बात करते हैं थोड़ा. सपोज आप खुद वेरीफाई कर रहे हो, इथेरियम ही वही करता है. बट मैं एज अ यूजर भी बोलूंगा और इथेरियम पर भी बोलूंगा, क्योंकि द टेक्नोलॉजी इज द सेम. इथेरियम के बारे में बोलते हैं क्योंकि वो शायद इजियर होगा. तो सपोज इथेरियम पे किसी ने S0 इसको प्रूफ करके रखा है, तो अभी इथेरियम को S1 मिला, फॉर सम L2 उसको S1 मिला, तो इथेरियम उसको क्यों विश्वास करे, राइट? इथेरियम को विश्वास करने का कुछ कारण है नहीं. तो वो इसीलिए क्या होता है, इन अ ZK सेंस वो लोग क्या करते हैं, इसके साथ एक प्रूफ देते हैं, एक प्रूफ देते हैं कि भाई आप वेरीफाई कर लो, आप वेरीफाई कर लो कि ये सही है. ठीक है, ये है ZK प्रूफ. तो आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है, मेरे पास एक ZK प्रूफ है, दैट्स द बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ गारंटी दैट यू कैन गेट कि ये करेक्टली मैंने एग्जीक्यूट तो किया होगा. तो ये शायद सफिशियंट होगा. तो L2 तो यही है कि मैं इथेरियम को प्रूफ मिलता है और इथेरियम प्रूफ वेरीफाई करता है एंड एवरीथिंग इज सॉलिड. बट द आंसर इज दैट इज इट्स अ फॉल्स इंप्रेशन, राइट? ये प्रूफ इज नॉट इनफ अनलेस यू गेट द ट्रांजैक्शनल डेटा. And why is that true? इसको समझने के लिए थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि ZK proof magical tool नहीं है. ZK proof बोलता है, suppose आपने addition किया है, addition का आप ZK proof दे रहे हो, तो ZK proof ये तो जरूर बोलता है कि आपने addition सही से किया है, लेकिन आपका, आपने चाहा था उसको 10+15 add करना और वो 2+2 add करके दिया है, तो आप आंसर एक्सेप्ट कर लोगे. तो आपको तो पता भी होना चाहिए कि मेरे सही इनपुट्स पे सही आउटपुट आया है, मेरे सही इनपुट्स पे एडिशन किया गया है, राइट? तो फिर सिर्फ ZK प्रूफ इनफ नहीं है, उसको लिंकेबिलिटी भी होना चाहिए टू द ट्रांजैक्शनल डेटा, राइट? तो इसीलिए उसको क्या करते हैं वो लोग, ट्रांजैक्शनल डेटा भी इन सम फॉर्म शुड बी एन इनपुट टू द प्रूफ सिस्टम. तो रफली क्या होता है, ये जो वेरीफायर है, एंड अगेन मुझे थोड़ा स्टॉप कर देना, आई कीप गोइंग इनटू मोर एंड मोर डिटेल्स, द वेरीफायर क्या करता है, ये जो वेरीफायर है ZK प्रूफ का, ये सिर्फ प्रूफ ही नहीं लेता, ये कुछ कुछ चीजें लेता है जिसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक इनपुट्स. और ये पब्लिक इनपुट में हैश ऑफ ट्रांजैक्शनल डेटा होता है. ओह डैम, सो बेसिकली अगर अगर हम क्लियर प्रोस्पेक्ट्स में समझे, सो बेसिकली ये इथेरियम है हमारा, ये हमारा लेयर 2 है. उस लेयर 2 के अंदर हमने ट्रांजैक्शन किया, सपोज एक TRX 1 किया जो मेरे एड्रेस को
एक इथीरियम से 100 USDC पे लेके आ गया। ये बेसिकली लाइक यू नो ऐसे बहुत लोगों ने इस ब्लॉक के अंदर, मेरे लेयर टू के ब्लॉक के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शन करे, तो उनका जो रूट है वो इथीरियम के ऊपर जाता है। और आज तक, और मतलब बेसिकली अगर मैंने सपोज पॉलीगॉन जीके ईवीएम पे किया है ना, तो बेसिकली जो मेरा आज तक मेरा मानना था वो ये था कि जो पॉलीगॉन जीके ईवीएम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो इस पर्टिकुलर ब्लॉक को लेगा और दे विल मतलब बेसिकली ये जो ट्रांजेक्शन है इनका जो स्टेट रूट है, जो स्टेट रूट है वो बेसिकली यहाँ पे वेरीफाई होगा। जो वेरीफाई होने वाली चीज है उसके अंदर जहां तक मुझे पता था वो एक प्रूफ भेजेगा, एंड वो प्रूफ जो है वो इस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वेरीफाई होगा। अभी तक मेरे को ये लगता था, पर आप ये बोल रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ प्रूफ नहीं जाता है जो वेरीफाई होता है, बेसिकली ये जो ट्रांजेक्शन हुआ ना एक इथेरियम से, जो वो 100 USDC बना, जो ट्रांजेक्शन हुआ है, जो स्टेट चेंज हुआ है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, वो भी इस पर्टिकुलर प्रूफ में जाता है जो यहाँ पे वेरीफाई होता है स्टेट रूट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। इज दैट करेक्ट? ऑलमोस्ट विद वन डिफरेंस इज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनपुट्स है, पूरा ट्रांजैक्शंस को एक वेरीफाई में भेजना बहुत बड़ा इनपुट है, तो क्या करते हैं उसको हैश करके भेज देते हैं, उसको हैश करके भेजा जाता है, और प्राइवेट इनपुट में पूरा ट्रांजैक्शनल डेटा जाता है, और सर्किट के अंदर जीके प्रूफ के अंदर ये चेक किया जाता है कि मेरा जो पब्लिक इनपुट है जो हैश है और मेरा जो प्राइवेट इनपुट है जो पूरा ट्रांजैक्शनल डेटा है वो सेम ही है। बट उतना डिटेल में नहीं जाते, जस्ट टू से कि ये जो प्रूफ है हम लोग वेरीफाई करने के लिए ट्रांजैक्शनल डेटा का एक डाइजेस्ट होना बहुत ही जरूरी है, या फिर स्टेट डेल्टा का एक हैश होना, बट वो उस मॉडल में ठीक मैं है, नहीं जाऊंगा। मैं जो भी प्रबल भाई ने बोला वो मुझे भी पूरा नहीं समझ आया, तो अगर आपको पूरा नहीं आया तो इट्स फाइन। प्रबल इज अ ड्रॉप्ड आउट PhD फ्रॉम ISI, पाकिस्तान वाला नहीं, कोलकाता वाला, विच इज द बिगेस्ट मैथमेटिकल लाइक यू नो इंस्टीट्यूट इन द कंट्री एंड वेरी रिस्पेक्टेड। 60 लोगों को लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लाइक यू नो शायद अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, उनको पोस्ट ग्रेजुएट भी कराते हैं वहीं से। प्रबल ने मैथमेटिक्स में PhD ऑलमोस्ट कर लिया था और फिर पॉलीगॉन एंड अवेल हैपेंड, सो ही डिडंट कंप्लीट इट। बट बेसिकली बहुत मैथमेटिकल है, जीरो नॉलेज प्रूफ। ब्लॉकचेन भी बहुत मैथमेटिकल है, जो आपको ऊपर से लगता है ना सिर्फ टोकन की हेरा फेरी हो रही है वो नहीं है, बहुत डीप में जाके चीजें होती हैं, तब जाके एक ट्रांजेक्शन होता है। अगर आप कोई लेयर टू के ऊपर ट्रांजेक्शन करते हो जो डेटा अवेलेबिलिटी के थ्रू होके इथीरियम पे जाता है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारा मैथमेटिकल चीजें जो इन्वॉल्व होती है, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसी के अंदर एक बड़ा प्रश्न ये है कि यार अगर इतना सारा मेरा जो डेटा है उसको हैश करके स्टेट रूट के साथ अगर मैं इथीरियम के ऊपर डाल रहा हूं और ऐसे 1 बिलियन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो इतना सारा डेटा इथीरियम को स्टोर करना पड़ेगा, और बेसिकली इथीरियम पे स्टोर करना डेटा इज कॉस्टली, राइट? तो मतलब क्वेश्चन यही है कि इज दैट द रीजन व्हाई देर इज अ थर्ड वेरिएबल, देर इज अ थर्ड थिंग जो मैं एक बार दिखा देता हूं एंड देन यू कैन एक्सप्लेन इसमें कलर। हाँ, देर इज अ थर्ड थिंग कॉल्ड डेटा अवेलेबिलिटी। ये भी एक लेयर बीच में आ जाती है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं और जो ट्रांजेक्शन का डेटा है वो इधर जा रहा है और जो सेटलमेंट है वो इथेरियम पे हो रहा है। ये बेसिकली इज दैट द रीजन व्हाई डेटा अवेलेबिलिटी एग्जिस्ट। अब डेटा यस, अवेलेबिलिटी में लाइक घुसते हैं। यस डेटा अवेलेबिलिटी घुसते हैं। बेसिकली क्या है कि ये जो लेयर टू है ये एग्जीक्यूशन को स्केल करते हैं, राइट? तो इथीरियम में क्या प्रॉब्लम था, वो अगर इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फॉर इथीरियम व्हाई L2s वर नीडेड, बट एसेंशियली प्रॉब्लम रफली ये था कि ये जो इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना इथीरियम पे, जब मैंने उसको भेजा, आपने किसी और को भेजा, ये जो सब ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ये ट्रांजैक्शंस, इतने सारे ट्रांजैक्शंस सिर्फ एक बंदों को नहीं, हर किसी को वेरीफाई करना पड़ता है। एक ब्लॉकचेन में इवन द फुल नोड्स शुड आइडियली वेरीफाई एंटायरिटी ऑफ द ब्लॉक्स, दे कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन द 2/3+1 ऑफ द ब्लॉक प्रोड्यूसर्स, राइट? तो POS चेन्स पे क्या होता है कि यू रिलाई दैट द 2/3+1 आर ऑनेस्ट इन दैट चेन, बट वैलिडेटर्स। इवन वैलिडेटर्स आर ऑनेस्ट, बट इवन इवन विद दैट असम्पशन,
यू स्टिल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वेरीफाई द एंटायरिटी ऑफ द ब्लॉक. ऐसा इज द जनरल ट्रेंड. अभी क्या है कि अगर मेरा बहुत सारा ट्रांजेक्शन है तो फिर क्या हो गया कि हर फुल नोड को ज्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा, विच मीन्स दैट जो एंट्री बैरियर है टू होस्टिंग अ फुल नोड फॉर इथेरियम वॉज गेटिंग हायर. इफ यू वॉन्ट बिगर ब्लॉक्स, तो आपने आपने बिगर ब्लॉक नहीं बना पाए. ये ऐसा कुछ अपने आप ही आ हाँ. जाता है वो। तो आप वो फिर आइदर आपको बिगर ब्लॉक बनाना पड़ेगा विच विल रिड्यूस डिसेंट्रलाइजेशन, या फिर आपको सेम रखना पड़ेगा जो इथेरियम ने किया है, एंड दैट लीड्स टू हायर फीस. तो उसी का हम लोग बोलते हैं स्केलेबिलिटी चैलेंज, राइट? तो इसीलिए L2s ने बनाया था जो बोल रहे थे कि मैं ये एग्जीक्यूशन को ऑफ चेन ले जाऊंगा, ऑफ चेन एग्जीक्यूशन करूंगा, ऑन चेन मैं सेटल कर लूंगा. बहुत बढ़िया, दिस इज ऑल ग्रेट, बट एग्जीक्यूशन हैज टू गो हैंड इन हैंड विद डेटा, क्योंकि मैंने अभी समझाया ना कि आपको वो डेटा भी अवेलेबल होना चाहिए. ये तो मैंने इथेरियम पे जीके सेटलमेंट के लिए बोला था, के लेकिन लिए। ऑप्टिमिस्टिक के लिए और भी क्रिटिकल है ये डेटा अवेलेबल होना. ऑप्टिमिस्टिक के लिए अगर वो डेटा अवेलेबल ना हो तो कोई फ्रॉड प्रूफ जनरेट ही नहीं कर सकता. तो इट कॉम्प्लीटली रिड्यूस द सिक्योरिटी ऑफ द चेन. तो चेन इनसिक्योर हो जाता है अगर डेटा अवेलेबल नहीं होता है तो. और जीके रोलअप्स में अगर डेटा अवेलेबल नहीं होता है तो आपका फंड्स तो सेफ है, लेकिन आप उसको यूज ही नहीं कर सकते, आप सेंड नहीं कर सकते, वो फ्रोजन हो जाता है वो फंड्स, राइट? क्यों? क्योंकि आपके पास स्टेट रूट तो है लेकिन आपके पास लीफ नहीं है, आपको अपना बैलेंस पता नहीं है. तो आपका एग्जैक्ट लीफ नहीं पता होगा तो आप वो स्पेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ठीक वो है। पाथ नहीं पता होगा फ्रॉम द लीफ टू द रूट, राइट? तो इसीलिए इट वॉज द प्रॉब्लम. नाउ अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग जब डेटा इतना सारा जो आपने बोला कि ये सब चीजों का डेटा जब हम लोग इथेरियम पे भेज रहे हैं, तब इट कॉस्ट अराउंड 1300 to 1600 डॉलर पर MB, 1300 to 1600 डॉलर पर MB टू कीप ऑल दिस डेटा ऑन इथेरियम, इवन यूजिंग कॉल डेटा विच इज वन ऑफ द चीपेस्ट फॉर्म्स ऑफ कीपिंग डेटा ऑन इथेरियम, राइट? नाउ व्हाट दैट मीन्स इज दैट आपका जो लिमिटिंग फैक्टर है फॉर गिविंग वेरी लो कॉस्ट टू द यूजर्स ऑन L2 इज बिकम्स द ट्रांजैक्शन डेटा कॉस्ट। अवेलेबिलिटी. एग्जैक्टली, द ट्रांजैक्शनल डेटा कॉस्ट बिकम्स द इनहिबिटिंग फैक्टर टुवर्ड्स गिविंग वेरी लो वेरी चीप ट्रांजैक्शन फीस. तो आपका स्केलेबिलिटी का लिमिट फिर डेटा अवेलेबिलिटी हो जाता है, राइट? ओ सो बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर मैंने लेयर टू के ऊपर ट्रांजैक्शन किया और वो उसका पूरा मतलब सारे ब्लॉक्स ने मिलके किया और हमने ट्रांजैक्शंस और स्टेट रूट को मिला के इथेरियम के ऊपर डाला, तो उसका अप्रोक्सीमेट साइज क्या होता है? 1 MB मान ले अपन, जस्ट फॉर सिंपलिसिटी। नहीं, उससे उससे बहुत कम होता है, क्योंकि क्यों इन्हें कम करते हैं, क्योंकि ये इतना कॉस्टली है. तो वो लोग हाँ, क्या करते हैं, कंप्रेस देन दे डू करते हैं ऐसे। कॉम्प्रेशन. एग्जैक्टली, देन दे डू कॉम्प्रेशन. और वन जीके और हंड्रेड ऑप्टिमिस्टिक में, हाँ वन हंड्रेड सपोज वन एग्जैक्टली, हंड्रेड ऑफ MB होता है, तो 1600 डॉलर रखते हैं 1 MB को इथीरियम के ऊपर स्टोर करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द गैस प्राइस। पर एक एवरेज अगर हम देखें तो 1600 डॉलर लगते हैं 1 MB। सो यस, हर सिर्फ और सिर्फ डेटा को स्टोर करने के लिए $16 लगेंगे आपके लाइक यू नो ट्रांजेक्शन और स्टेट रूट को मिला के। सपोज एक अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, $16 लगेंगे सिर्फ स्टोरेज के। उसके अलावा जो या ट्रांजेक्शन है जो गैस फीस है वो सब तो अलग ही है। सो वो बेसिकली और अगर वेरिफिकेशन अलग है. सोलह हाँ और सिर्फ अगर 16 ट्रांजेक्शन हुए आपके ब्लॉक 1 के अंदर, तो हर इंसान को $16 देने पड़ेंगे। ये सब सिंप्लीफाइड है, असली में बहुत चीजें होती हैं इन्वॉल्व। किसी को 10 देने पड़ते हैं, किसी को एक ही देना पड़ता है। बट अगर 16 सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन हुए तो हर इंसान को $1 देना पड़ेगा। इथीरियम पे किसी को सपोज $16 देने थे ट्रांजेक्शन करने के, तो यहाँ पे $1 देना पड़ेगा। एंड दैट इज स्टिल नॉट इनफ टू लाइक यू नो एक्चुअली गेट मास अडॉप्शन। अगर आप एग्जैक्टली, फेसबुक को Web3 के ऊपर इमेजिन करते हो तो हर एक लाइक एक ट्रांजैक्शन होगा और हर एक लाइक को करने के लिए कोई ₹80 $1 देने को नहीं तैयार होगा। डेटा अवेलेबिलिटी इसको कैसे सॉल्व करता है? तो इसीलिए एंड एंड जस्ट टू काइंड ऑफ एक चीज बहुत क्लियरली बोल देना चाहिए कि इट सिर्फ कॉस्ट का फैक्टर नहीं है, फैक्टर कॉस्ट रिडक्शन का नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत सारे ऑल्ट L1
आए और गए, जो कि सिर्फ कॉस्ट बेसिस पे मार्केट करता था, राइट? तो सिर्फ कॉस्ट इज नॉट द पॉइंट, पॉइंट ये है कि सिक्योर इट्स अ ऑप्टिमाइज्ड, इट्स ऑप्टिमाइज्ड फॉर डीए। अवेल पे हम लोग सिर्फ डेटा अवेलेबिलिटी के बिना एग्जीक्यूशन करते ही नहीं है, राइट? हम लोग एग्जीक्यूशन एकदम मिनिमल है, एग्जीक्यूशन हम लोग जो करते हैं सिर्फ वैलिडेटर संभालने के लिए और ऑन चेन एसेट संभालने के लिए, मतलब हम लोग कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं कर सकता ये चेन पे। तो वी आर मेकिंग अ वेरी ऑप्टिमाइज्ड फॉर डीए चेन, एंड डीए का एक एक बहुत बढ़िया जो प्रॉपर्टी है जो एग्जीक्यूशन में नहीं है, वो है कि वो ब्लॉक साइज बढ़ा सकता है ऑन डिमांड। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आज अवेल का ब्लॉक साइज है 2 MB, हम लोग उसको बहुत इजीली ही 4 MB, 8 MB, इनफैक्ट वी हैव ट्राइड इट आउट टिल 128 MB ऑफ ब्लॉक्स। तो हम लोग ये कर सकते हैं क्योंकि स्केलिंग डेटा इज मच इजियर देन स्केलिंग एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में सेम नहीं है, आप एक आज अगर आप 30 मिलियन ब्लॉक का गैस का ब्लॉक बना रहे हो, तो आप अचानक से 3000 गैस का ब्लॉक नहीं बना पाओगे, उसका बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, राइट? तो दैट इज वन ऑफ द सुपर पावर्स ऑफ डीए, एंड दैट इज वाई डीए इतना पावरफुल एक प्रिमिटिव है, जो कि स्केलेबल प्रिमिटिव है। तो हम लोग ना ही सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, हम लोग एक नया लेयर बना दिए जहां पे आप लो कॉस्ट डेटा यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो, एंड देन योर ट्रांजैक्शन प्राइसेस गो डाउन, दैट्स नॉट जस्ट इट, वी हैव मेड इट वेरी एफिशिएंट, टू बी ऑनेस्ट, टू द पॉइंट दैट इट इज एक्चुअली स्केलेबल इन वेज एंड मीन्स विच आर बियॉन्ड एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन ऐसा स्केल ओ नहीं हो सकता जो डेटा अवेलेबिलिटी हो सकता है, एंड वहां से ही तो सुपर पावर आता है। बेसिकली एक अगर अगर आप 1 करोड़ ट्रांजैक्शन कर रहे हो लेयर टू पे, तो उसकी भी एक बॉटलनेक है कि कितने वो प्रोसेस कर सकता है, पर अगर उसको कपल कर दो डेटा अवेलेबिलिटी लेयर के साथ, सो वो इनफाइनाइट की तरफ हम ट्रांजैक्शंस को ले जा सकते हैं. दैट्स लाइक थ्योरेटिकली अ नंबर, वी माइट नॉट हैव टेस्टेड दिस. एब्सोल्युटली। तो मतलब अगेन, मैं क्योंकि थोड़ा फॉर्मल बैकग्राउंड से आता हूँ, इनफाइनाइट में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक मुझे लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक पॉइंट पे जाके ना फिर वो ब्लॉक प्रोपागेशन एंड डेटा प्रोपागेशन बॉटलनेक हो जाता है, नथिंग हाँ एल्स, राइट? क्योंकि आपके पास तो प्रोपागेट भी करना है ना वो डेटा को, आप अगर हार्ड डिस्क पे राइट भी कर रहे हो तो उसका एक बॉटलनेक है, उसका बस स्पीड का बॉटलनेक है। तो मैं मतलब कुछ भी नहीं कर सकता, बट अंडर द रीजनेबल बाउंड्स ये टेक्नोलॉजी विल नॉट बी द लिमिटिंग फैक्टर, देयर विल बी अदर थिंग्स व्हिच विल बी द लिमिटिंग फैक्टर। ओके. सो अगर डेटा अवेलेबिलिटी लेयर है अगर कोई ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व, तो अब कैसे, अगर हम लाइक यू नो, अब कैसे कोई ट्रांजैक्शन दिखेगा? तीन लेयर है, इथेरियम की सेटलमेंट लेयर है, डेटा अवेलेबिलिटी लेयर है, और हमारी लेयर टू की पॉलीगॉन जीके ईवीएम की जीके स्टैक की लेयर. अब कैसे एक ट्रांजैक्शन दिखेगा, उसमें कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी? तो ओके यहाँ पे इथीरियम है, यहाँ पे मेरा L2 जो चेन है वो इसके ऊपर बैठता है, एंड हम लोगों का अभी एक डीए लेयर है, राइट? तो अभी क्या होगा ना, अभी ये जो दो पार्ट्स में इसको बांट दिया जाएगा, यहाँ पे आएगा ट्रांजैक्शनल डेटा और यहाँ पे आएगा प्रूफ, और यहां से यहां पे जो आता है उसको बोलते हैं हम एटेस्टेशन, राइट? तो फिर क्या होता है कि अवेल, ये जो हम लोगों का अवेल है इधर, अवेल इथीरियम को बोलता है कि इसके पीछे का जो ट्रांजैक्शनल डेटा है वो यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये जो वेरीफायर है उसको क्या चाहिए था, उसको चाहिए था प्रूफ और उसको चाहिए था एक ट्रांजैक्शन हैश। ये ट्रांजैक्शन हैश के ऊपर वो एटेस्टेशन चेक कर लेता है और फिर ये प्रूफ ओ, वेरीफाई करता है, राइट? सो ट्रांजैक्शन हैश की जगह उसको अटेस्टेशन मिल रहा है ट्रांजैक्शन हैश के ऊपर उसको एटेस्टेशन मिल रहा है कि ऊपर. ये ट्रांजैक्शन हैश के पीछे का जो प्री इमेज है ना, उसके पीछे का जो ट्रांजैक्शन ब्लॉब है, वो ब्लॉब हाँ अवेलेबल है।
अच्छा, तो उसको उसका इसको हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं हैश नहीं मिल रहा है उसको? ट्रांजेक्शन हैश भी मिल रहा है, और उस ट्रांजेक्शन हैश इधर से भी मिलेगा, इधर से भी प्रूफ मिलेगा और ट्रांजेक्शन हैश भी मिलना होगा, तो ये तो मतलब राइट? जैसे पहले होता था वो अभी भी हो रहा है अभी जो भी हो रहा हमने? है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स में मिनिमल चेंजेस है। पहले क्या हाँ था, इसके ऊपर यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेटा भी भेजना पड़ता था, जो कि ओके अभी इधर, राइट? ओके ओके, ट्रांजैक्शन हैश और और प्रूफ और ट्रांजैक्शन डेटा भी भेजना पड़ता है, और डेटा अब नहीं भेजना पड़ रहा है, जो सबसे ज्यादा भारी चीज है एक एग्जैक्टली, तो पर्टिकुलर अटेस्टेशन की। इसमें हम लोग अराउंड 90% रिडक्शन देखते हैं कॉस्ट पे आज के डेट पे। सो बाप रे, दैट्स द मेन वेज इन विच टुडे इट इज बीइंग यूज्ड, और इसको हम लोग बोलते हैं वैलिडियम या ऑप्टिमियम। अगेन टर्म्स बहुत ही घटिया चूज करते हैं हम लोग इस इंडस्ट्री में, बट तो लेकिन क्या कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज कंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड वैलिडियम्स और ऑप्टिमियम्स। मैंने मैंने एक्चुअली एक फॉल्स, मतलब पूरी तरह से डेटा अवेलेबिलिटी की लाइक यू नो वो नहीं मानूंगा मैं उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन को, पर मेटिस अगर आपको पता है। सो एक बार ऐसा हुआ था कि इथेरियम का एकदम से नहीं होता कोई एनएफटी ड्रॉप होता है और सब लोग पागल हो जाते हैं उसको खरीदने के लिए, $100 की एनएफटी के लिए $1,000 की फीस दे देते हैं, स्टफ लाइक दैट, विच इज द कॉमन नॉर्म ऑफ वेब थ्री। सो बेसिकली क्या हुआ था कि वो एक एनएफटी ड्रॉप हुआ था बहुत बड़ा, म्यूटेंट एप नाम से, जो बोर्ड एप या याज क्लब का भाई था, जो लोगों को मिल रहा था जिनके पास बोर्ड एप याज क्लब था, और लोग एकदम से लेने के लिए उसको दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। और उस समय पे $1,000 का इथेरियम का ट्रांजैक्शन हुआ था, उस समय पे भी आर्बिट्रम का जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट था वो $10 तक पहुंच गया था। बट मेटिस, विच इज अ डेटा अवेलेबिलिटी की, मतलब उनने थोड़ा बहुत डेटा अवेलेबिलिटी लेयर अप्लाई किया हुआ है, या फिर आप जैसे आप वेरीफाई कर सकते हो, दैट वॉज स्टिल एट सेंट्स, 0.1 सेंट्स और इवन मच लेसर। सो दैट इज बिकॉज ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी लेयर, क्योंकि डेटा अवेलेबिलिटी लेयर के थ्रू ये जो ट्रांजेक्शन डेटा है, जो सबसे भारी चीज है जो इथेरियम के ऊपर पोस्ट करनी पड़ती है, वो नहीं करनी पड़ती है। एंड दैट्स व्हाई अगर आपको $1 भी लग रहा है कोई भी आर्बिट्रम या ऑप्टिमिज्म पे ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो 90% तक रिड्यूस हो जाएगा, यानी आपको जीरो पॉइंट एग्जैक्टली वन सेंट या उससे भी लेस लगेगा। तो आप ये सोचो, आपका ये एग्जाम्पल अगर हम लोग देखे, तो अगर मेरा सपोज ये मेरा टोटल कॉस्ट है, और इसमें मेरा ट्रांजैक्शनल डेटा का कॉस्ट है, और ये मेरा वेरिफिकेशन का कॉस्ट है, तो जब इथीरियम पे प्राइस बढ़ जाता है, तब आप सिर्फ वेरिफिकेशन के कॉस्ट के ऊपर ज्यादा दे रहे हो, राइट? तो विच ट्रांजैक्शन मीन्स डेटा का लाइक कॉस्ट दे रहे हैं। दे नहीं रहे हो, और उसके ऊपर भी बहुत कुछ नए टेक्निक्स जो आ रहे हैं। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, बट व्हाट यू कैन डू इज समथिंग कॉल्ड अमोर्टाइजेशन ओवर बैचेस। मतलब आप क्या कर सकते हो, आपको अगर लगा कि मेरा वेरिफिकेशन का कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, तो आप रुक जाओ, आप रुक के ये ट्रांजैक्शन साइज बहुत बढ़ा दो और भी बढ़ा दो। सपोज आपके एक बैच में, ये बैच में आपने 100 ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए थे, और उसके ऊपर एक प्रूफ जनरेट किए, तो आप ये भी कर सकते हो कि ठीक है, मेरा अभी प्रूफ वेरिफिकेशन का कॉस्ट ज्यादा है, तो मैं और भी 100 ट्रांजैक्शन इस पे ऐड कर देता हूँ, फिर भी मेरा एक ही प्रूफ वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप रिकर्सिवली प्रूफ जनरेट कर सकते हो एंड बहुत सारे प्रूफ्स का बैच एक्युमुलेट कर सकते हो एंड ऑल दैट। तो फिर क्या हो गया, जो कॉस्ट आपका सपोज वेरिफिकेशन कॉस्ट था $10 फॉर वेरीफाई ऑन से 100 ट्रांजेक्शन, तो अचानक से आपने शायद यहाँ पे $15 भी क्यों ना दे दिए, आप यहाँ पे 200 ट्रांजेक्शन भी कर दिए, तो आप उसके ऊपर अमोर्टाइज कर सकते हो, समझ रहे हो? और तो अगर डेटा ये सब अवेलेबिलिटी भी नहीं होती तो डेट अगर पूरा पूरा नहीं होती, तो फिर आपको क्या करना पड़ता, आपको पूरा इस पूरे ब्लॉक के ऊपर हायर कॉस्ट देना पड़ता। यहाँ पे मैंने 50% हायर कॉस्ट अज्यूम किया है, तो इट वुड हैव बीन 50% ऑन द एंटायरटी ऑफ इट। जो आप 10% के ऊपर दे रहे हो, वो 100% के ऊपर देना पड़ता, इट वुड हैव बीन 10x ऑन दैट, राइट? अगर आप $5 सो पे एड कर रहे हो, बेसिकली एक तो $10 के ट्रांजैक्शन के लिए अगर अगर $1 लग रहा है वेरिफिकेशन के लिए, $9 लग रहे हैं लाइक यू नो ट्रांजैक्शन डेटा के लिए, और एकदम से वो बढ़ जाता है, तो मेरे को अब $10 देने वेरिफिकेशन के लिए और $90 देने डेटा ट्रांजैक्शन के लिए, तो मेरा एक एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन लेयर टू के ऊपर, नॉट लेयर वन, लेयर टू के ऊपर $100 का होगा। पर अगर मेरे पास डेटा अवेलेबिलिटी की लेयर है, तो मेरे को $90 को नहीं देना है, $10 देने, राइट?
बट उसके साथ मेरे को अटेस्टेशन मतलब जो डेटा अवेलेबिलिटी भी इथीरियम के ऊपर डालता है तो उसका भी तो कुछ गैस कॉस्ट होता होगा। उसका अगेन अगेन एक स्टैट एक एक फिक्स गैस कॉस्ट होगा, उसका एक फिक्स गैस हमेशा कॉस्ट होगा, क्योंकि हाँ क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये हम लोग का जो एसोसिएशन ब्रिज है वो भी जी के वेरीफाइड है। हम लोग ये जी के वेरीफाइड ब्रिज यूज करते हैं, तो एसेंशियली ये अटेस्टेशन के लिए भी एक वेरीफाई करना पड़ता है, बट ये वेरीफाई आपको नहीं करना पड़ेगा बिकॉज इट इज बीइंग हैपनिंग ओवर मल्टीपल ऑफ L2s। यहाँ पे ये अवेल के एक ब्लॉक पे एक L2 का ट्रांजैक्शन तो नहीं है, ये बहुत सारे L2s के ट्रांजैक्शंस हैं, तो उन सबका फीस एक एक्यूमुलेट होके उसके ऊपर अटेस्टेशन का वेरिफिकेशन होता है। तो डेटा अवेलेबिलिटी मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वाला लेट टू, कोई और लेट टू होगा वो भी यहाँ पे डाल रहा होगा, कोई और लेट टू होगा कोई नया बनाया बंदा वो भी डाल रहा होगा, एट दी एंड सब कुछ का जो अटेस्टेशन है वो जाके इथेरियम के ऊपर होगा। तो कॉस्ट वुड बी वेरी 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 मिनिमलिस्टिक एंड दैट्स द मैजिक ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी। एक हमने एग्जैक्टली डिस्कस कर सो लिया कि लेयर टू की जो ट्रांजैक्शन है वो कम होती है ना, ट्रांजैक्शन फीस, और ये वर्टिकली स्केलेबल है राइट, इट्स नॉट लाइक कि ये एक जगह पे जाके कंस्ट्रेंट हो जाएगी जो लेयर टू में सिर्फ लेयर टू और इथेरियम के थ्रू होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो डेटा अवेलेबिलिटी इनेबल करता है वो ये है कि मैं आज तक अगर मेरे को अपने डैप के साथ इंटरेक्ट करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेटामास्क पे जाता हूँ और मेटामास्क के थ्रू ट्रांजेक्शन करता हूँ, और मेटामास्क जो है वो आरपीसी लेता है, आरपीसी होती है उसकी, इन्फ्यूरा या जिसकी भी आप आरपीसी डालो, और उससे मैं ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट कर पाता हूँ। मतलब मेरे को कोई भी अगर चेंजेस करने हैं तो मैं आरपीसी के थ्रू ही कर सकता हूँ, बट द राइट वे टू डू इट इज बाय रनिंग अ फुल नोड, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टफ प्रोसेस है। पॉलीगॉन जो पीओएस है चेन, उसका 15 TB का फुल नोड है, और भी ऐतिहासिक काम किए पॉलीगॉन ने 15 TB के अलावा, और उसका जो एरीगॉन नोड है वो भी 5 TB का है। अगर आप इथीरियम की बात करोगे वो भी 4-5 TB का पहुंच गया है। तो एक नॉर्मल इंसान 5 TB की फुल नोड नहीं चला सकता है एक डैप के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, एंड दैट्स वाई 2018 के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया था लाइट क्लाइंट। आरपीसीज नहीं यूज करने चाहिए क्योंकि आपको वो इन्फ्यूरा दे रहा है या फिर क्विक नोड दे रहा है या फिर एल्कमी दे रहा है, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड पॉइंट ऑफ फेलियर है कि आप उनसे ही इंफॉर्मेशन ले रहे हो। आप जैसे ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो आप डायरेक्टली ब्लॉकचेन का पार्ट बन के नहीं कर रहे हो, आप एल्कमी नाम से एक फुल नोड चला रहे हो उनसे ले रहे हो राइट, एंड दैट्स वाई लोगों ने एक कॉन्सेप्ट निकाला था कि फुल नोड नहीं चला सकते, आरपीसी यूज करना सही चीज नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, एंड दैट्स वाई वी नीड समथिंग लाइक लाइट क्लाइंट। और लाइट क्लाइंट्स इथीरियम में तो कभी आए नहीं, पर डेटा अवेलेबिलिटी के थ्रू कैसे इनेबल हो जाते हैं वो सेकेंड सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है डेटा अवेलेबिलिटी की, उसको भी आप थोड़ा बताओ। तो एसेंशियली क्या है कि बिटकॉइन में भी एक क्लाइंट था, HPV क्लाइंट। तो बिटकॉइन बहुत पहले ही लाइट क्लाइंट्स के ऊपर काम किया है, ये कोई नया मतलब सोच एग्जैक्टली नया नहीं है, रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स नया है क्योंकि रिक्वायरमेंट्स चेंज होते रहते हैं ओवर टाइम। तो वहां पे भी था कि हम लोग क्या चाहिए कि विदाउट रनिंग अ फुल नोड आई नीड टू वेरीफाई कि मेरे ट्रांजेक्शन पहुंचे और सही से एग्जीक्यूट भी हो, तो इसलिए लाइट क्लाइंट जरूरी है एक एक इकोसिस्टम में। तो इथीरियम में प्रॉब्लम क्या है कि इथीरियम में ऐसा नहीं है कि लाइट क्लाइंट पॉसिबल नहीं है, इथीरियम में भी अभी लाइट क्लाइंट बहुत से पॉसिबल है एंड वो होंगे भी, बट एग्जीक्यूशन चेंज के लिए लाइट क्लाइंट और डेटा अवेलेबिलिटी के लाइट क्लाइंट्स थोड़े अलग होते हैं। ये क्यों, ये मैं थोड़ा बताता हूं। एग्जीक्यूशन पे क्या है कि आपको एक आपने एक ट्रांजैक्शन भेजा, आपको ये गारंटी चाहिए कि आपका ट्रांजैक्शन एक्चुअली इंक्लूड हुआ है, राइट, और सही से एग्जीक्यूट हुआ है। आपने ये सही से इंक्लूड किया है, इसका तो आपको प्रूफ मिल जाएगा, क्योंकि आप अगर इथर स्कैन के बारे में सोचो तो वहां पे ट्रांजैक्शन रूट है, तो ट्रांजैक्शन रूट मतलब आपको अगर हेडर मिल जाए तो हेडर के ऊपर सिग्नेचर है सबके, तो आपको पता है कि इथीरियम के 2x3+1 वैलिडेटर्स ने अग्री किया है कि ये ब्लॉक फाइनलाइज्ड है। अभी उसके बाद अगर आप ये सोचो कि आपको कैसे मालूम होगा कि ये इंक्लूडेड तो है लेकिन सही से एग्जीक्यूट हुआ है, तो आपको रिलाई करना पड़ेगा उस वैलिडेटर सेट के कि आप उसमें सही से एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि आपने फुल लोड चला नहीं रहे हो।
अगर आप फुल नोट चलाते तो आप पूरा ब्लॉग डाउनलोड करके पूरा ही री एग्जीक्यूट करके खुद से ही चेक कर सकते थे कि ये सही से किया गया है कि नहीं। अभी डेटा एनालिटिक्स में क्या है कि अगर आप लाइट क्लाइंट्स लेते हो तो लाइट क्लाइंट क्या कर सकता है, समथिंग कॉल्ड डेटा अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग। मतलब क्या है, वो क्या करता है कि ये जो डेटा पब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है ठीक से, इसके लिए वो कुछ कुछ ब्लॉक्स के कुछ कुछ पार्ट्स वो सैंपल करता है और उसको वेरीफाई करता है कि ये सही से मिल रहा है कि नहीं। अगर वो सही से मिल जाए तो उसको पास एक बहुत हाई लेवल ऑफ गारंटी है कि पूरा डेटा अवेलेबल है। तो इसीलिए लाइट क्लाइंट्स डेटा अवेलेबिलिटी लेयर्स में लाइट क्लाइंट्स बहुत ही एफिशिएंट है और इफेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ वेरीफाइंग विदाउट रिलाइंग ऑन द ब्लॉक प्रोड्यूसर्स टू कीप द डेटा अवेलेबल। मतलब अगर अवेल में पूरा वैलिडेटर सेट करप्ट हो जाए, पूरा वैलिडेटर सेट करप्ट हो जाए, फिर भी एक इंडिपेंडेंट लाइट क्लाइंट ये वेरीफाई कर पाएगा कि उसका जो डेटा बोला जा रहा है कि वो है कि नहीं है, वो एक्चुअली में है कि नहीं है, समझ रहे हो? तो ओके वो खुद से सैंपल कर सकता है। राइट। सो हम डेटा सैम्पलिंग में लाइक यू नो आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग वीडियो। एक अपने को पार्ट 2 भी बनाना पड़ेगा जिसमें हम सैम्पलिंग में जाएं, इरेजर कोडिंग में जाएं और लाइक यू नो उसके अलावा बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करें, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है। इरेजर कोडिंग में जाएं और काफी काफी डिटेल में पढ़ें कि लाइट क्लाइंट से वापस पूरा एक डेटा ब्लॉक बन सकता है कि नहीं, बट बेसिकली मैं आरपीसी को रिप्लेस कर सकता हूँ कि नहीं आफ्टर हैविंग दीज लाइट क्लाइंट्स कमिंग, और अगर डेटा अवेलेबिलिटी कंपल्सरीली यूज हो रहा है तो। एब्सोल्युटली, क्योंकि अभी आप देखो कि आप जब ट्रांजैक्शंस भेजते हो आप डायरेक्टली पीयर टू पीयर लेवल पे भेज सकते हो, आप पीयर टू पीयर लेवल पे ट्रांजैक्शंस भेज सकते हो, फिर आप वो फुल नोड्स पिकअप कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है, एंड देन आप ये सैंपल भी कर सकते हो कि आपका ट्रांजैक्शंस इंक्लूड हुआ है कि नहीं और पूरा सा ट्रांजैक्शन ही इंक्लूड हुआ है कि नहीं, समझ रहे हो? तो ओवर टाइम हम लोग देख सकते हैं कि ये लाइट क्लाइंट्स जो है वो विल बी प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल इन दिस इंडस्ट्री। क्योंकि हम लोग जैसे एनविजन करते हैं कि आप एज अ यूजर आप क्या करोगे, आप ट्रांजैक्शंस भेजोगे L2 पे, L2 में आप ट्रांजैक्शंस भेजोगे वो एक प्रूफ भेजेगा, आप खुद से डेटा एवरी सैम्पलिंग करोगे अपने वॉलेट पे, डेटा एबिलिटी सैम्पलिंग करोगे और प्रूफ वेरीफाई करोगे अपने वॉलेट पे, मोबाइल के वॉलेट पे, एंड हम लोग ऑलरेडी वो कर मतलब ट्राई स्टार्ट कर भी रहे हैं। हम लोगों का एक्सप्लोरेशन टीम में ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, अगर कोई इन्वॉल्व होना चाहता है तो देर इज अ ग्रांट्स प्रोग्राम वेर वी एक्चुअली इंसेंटिवाइज पीपल टू कमिट कोड इनसाइड द ग्रांट्स प्रोग्राम। हम लोग उसको लिंक अवेल है अनचार्टेड बोलते हैं, दिखा अवेल देते हैं। अनचार्टेड, मैं अवेल अनचार्टेड, गिटहब लिंक है। गिटहब लिंक में ही दिखा दो। आप ये देखोगे आपके पास बहुत सारे, ये देखो आप ग्रांट प्रोग्राम है, RFP ग्रांट प्रोग्राम है, वहां पे कैसे कंट्रीब्यूट करना है, कैसे किया जा सकता है आप देख सकते हो, एंड कैटेगरीज एंड एवरीथिंग भी आप देख सकते हो। अगर आप वापस जाते हो पिछले पेज में तो आप ये भी देख सकते हो कि क्या क्या कूल प्रोजेक्ट्स हम लोग ट्राई आउट करते हैं यहाँ पे। आप बहुत सारे चीजें हम लोग कोशिश करते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ZKNFT प्रोजेक्ट, यहाँ पे हम लोग एसिंक्रोनस मैसेज पासिंग ट्राई कर रहे हैं बिटवीन टू रोल अप्स सो दैट वी कैन एक्चुअली स्केल इट लाइक Web2 प्रोजेक्ट्स अबाउट हाउ थिंग्स वर्क। हम लोग वेब बेस्ड लाइट क्लाइंट बना रहे हैं, हम लोग एंड्रॉयड पे लाइट क्लाइंट का लाइब्रेरी बना रहे हैं एंड ऑल दैट। सो अगेन अ लॉट ऑफ बिंग इज हैपनिंग। आप लोग अगर कुछ कुछ डेवलपर्स हैं जो इस पे काम करना चाहते हो, वी विल बी हैप्पी टू होस्ट यू। बट द मेन पॉइंट ये हम लोग कहाँ पे अभी ऑलरेडी हम लोग देख सकते हैं, हम लोग कुछ दिन पहले ही हम लोगों का इंटीग्रेशन अनाउंस किया है स्टार्कनेट के साथ, उनका मदारा ऐप चेंज पे। तो आप देख सकते हो कि आज के डेट पे स्टार्कनेट क्या करता है, हर 6 से 8 घंटे में एक प्रूफ भेजता है इथीरियम पे, राइट? तो इथीरियम पे अगर आप सिर्फ वो प्रूफ वेरीफाई जो जो हम लोग अब तक बात करते रहे वो वेरिफिकेशन के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो आपको 6 से 8 घंटा वेट करना पड़ सकता है, एंड
व्हाट इज द कंस्ट्रक्शंस दैट वी आर एक्चुअली अलाउइंग इज दैट अगर आप L2 से L2 में ही ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो आप अपने वॉलेट पे ही इमीडिएटली वेरीफाई कर सकते हो और डेटा एवरी सैम्पलिंग कर सकते हो. तो उससे ज्यादा गारंटी कोई दे नहीं सकता आपको. आप ये सोचो कि अभी तक L2 क्या बोला है कि इथीरियम वेरीफाई कर रहा है मेरा प्रूफ. हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि इथीरियम तो वेरीफाई करेगा ही, बट आप खुद ही क्यों ना अवेल भी कर रहा है ये ZK प्रूफ. अवेल छोड़ दो, आप यूजर वेरीफाई करेगा, यूजर खुद वेरीफाई करेगा. एग्जैक्टली. अवेल पे आप अवेल पे विश्वास मत करो, आप L2 पे विश्वास मत करो, आप इथीरियम पे विश्वास बाद में करना, आप खुद पहले खुद वेरीफाई कर लो. क्योंकि यही हम लोग जो गारंटी देना चाहते हैं कि हम लोग क्रिप्टो इकोनॉमिक गारंटी से हटके क्रिप्टोग्राफिक गारंटी देना चाहते हैं. हम लोग ट्रस्ट मिनिमाइज इंटरेक्शन करना चाहते हैं. दैट इज द गोल. ब्लॉकचेन इसलिए बना था ताकि हम लोग ट्रस्ट को स्केल कर सके, और हम लोग ये ट्रस्ट को ही स्केल करने का कोशिश कर रहे हैं यूजिंग क्रिप्टोग्राफी. मैं एक थोड़ा सी क्रक देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है प्रबल ने. बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि अभी आप इथेरियम के सेटलमेंट पे क्यों भरोसा करते हो, क्योंकि $10 बिलियन है उसके अंदर स्टोर्ड. सो उसको अगर हटाना है, मतलब उसको थोड़ा सा भी लाइक यू नो चेंज करना है, तो बेसिकली यू वॉन्ट मोर देन हाफ, यानी $5 बिलियन या उससे ज्यादा आपके पास होने चाहिए थोड़ा सा भी अपने तरफ इस चेन को मूव करने के लिए. तो दैट इज क्रिप्टो इकोनॉमिक सिक्योरिटी जिसके कारण आप इथेरियम के ऊपर ट्रस्ट करते हो. बट इसको बदलने के लिए क्रिप्टो इकोनॉमिक सिक्योरिटी से क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी के साथ मतलब भी लेने के लिए आप क्या करते हो, आप फुल नोड रन करते थे अभी तक सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करने के लिए ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं, इंक्लूड हो गया है कि नहीं, एंड लाइक यू नो दैट इज करेक्ट और नॉट. और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, प्लस एक बहुत इट वॉज नॉट फ्रेंडली इन टर्म्स ऑफ 5 TB की रैम आपको चलानी पड़ती थी उसके लिए, दिस एंड दैट. बेसिकली विद अवेल्स लाइट क्लाइंट what you can do is वो light client को आप जो छोटा सा चीज है उसको मोबाइल पे चलाओ. यहाँ पे ग्रैंड में देख सकता हूँ कि ये एंड्रॉइड किट भी बना रहे बेसिकली वो लाइट क्लाइंट चलाने के लिए. तो कोई भी लाइट क्लाइंट चला सकता है, और बिफोर इथीरियम के ऊपर 6 या 8 घंटे में जो स्टार्ट नेट में प्रूफ जाता है, बिफोर दैट, बिफोर लाइक यू नो जो ZK पॉलीगॉन ZK भी में हर 7 सेकंड में प्रूफ जाता है, उसके पहले आप ना आपको ना बिकॉज ऑफ दैट लाइट क्लाइंट ना आपको इथीरियम पे ट्रस्ट करना है, ना आपको अवेल के डेटा अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग पे ट्रस्ट करना है. आपको सिर्फ उस लाइट क्लाइंट को चला के देखना है, और उससे डेटा अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाएगी, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन सही है या गलत, क्योंकि वो सब कुछ कंप्यूटेशन उस लाइट क्लाइंट के अंदर हो जाएगा. दैट इज क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी ऑफ योर ट्रांजैक्शन, जो की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है डेटा अवेलेबिलिटी की. अब क्या होता है ना, ये ऐसे हाँ, तो अब क्या होता है ना, ये डेट आप इतने टफ और लाइक आई थिंक टेक्नोलॉजिकली एडवांस जब आप टॉपिक्स पढ़ते हो तो लाइक यू नो देर आर फ्यू मिसकंसेप्शन जो लोगों को हो जाते हैं डेटा अवेलेबिलिटी को लेकर. जैसे कि बिफोर लाइक यू नो गेटिंग इनटू दिस सेशन, जब मैं रिसर्च कर रहा था उसके पहले मुझे लगता था कि डेटा अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि मैंने अपना जो डेटा है वो अवेल के ऊपर डाला और जीवन भर मेरे साथ रहेगा. दैट इज नॉट ट्रू, राइट. इस तरह के बहुत सारे मिसकंसेप्शन है. ये है, उसके अलावा ये डेटा को वैलिडेट करता है अवेल, ये है. उसके अलावा लाइक यू नो दिस काइंड ऑफ मिसकंसेप्शंस आर देयर इन टर्म्स ऑफ कि व्हाट इज डेटा अवेलेबिलिटी. सो ये कुछ मिसकंसेप्शंस को आप दूर कर सकते हो, दैट यू नो व्हाट डेटा अवेलेबिलिटी इज नॉट. पहली बात ये है कि जैसे अवेल जैसा एक लेयर जो डेटा अवेलेबिलिटी करता है, तो अवेल बहुत ही डंब है, एकदम बुद्धू है वो. उसको कुछ वेरीफाई करना आता नहीं है, राइट, क्योंकि वो करना चाहता नहीं है, राइट. अगर वो वेरीफाई करने गया ट्रांजैक्शंस करेक्टनेस, अगर वो वेरीफाई करने गया करेक्टनेस, तो वो एग्जीक्यूशन में घुस जा रहा है, वो सेटलमेंट में घुस जा रहा है, इसलिए जो कि स्केलेबल इतना नहीं है. तो इसलिए क्या हो रहा है कि अवेल जो DA लेयर है वो बहुत ही एक डंप सा लेयर है, वहां पे कोई भी आके कुछ भी डाल के जा सकता है. बट एट द सेम टाइम ये डेटा स्टोरेज प्लेटफॉर्म नहीं है. हम लोग बहुत दिनों के लिए भी नहीं रख रहे हैं, ना ही हम लोग आपके मूवीज एंड सॉन्ग रखने का बात कर रहे हैं. हम लोग बहुत ही एक स्पेसिफिक, एक लिमिटेड टाइम सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं.
हम लोग ये बोल रहे हैं कि आपका जो ट्रांजैक्शनल डेटा था, ये ब्लॉक के पीछे का जो ट्रांजैक्शनल डेटा है उसका पब्लिकेशन का बात कर रहे हैं ऑन ऑन दिस लेयर, एंड दैट इज व्हाई डेटा अवेलेबिलिटी बहुत ही अब्यूज्ड और एक मिसअंडरस्टूड टर्म है, क्योंकि हम लोग ने अगेन जैसे मैं कुछ देर पहले ही बोला, हम लोग टर्मिनोलॉजी चूज करने में बहुत ही खराब चूज कर लेते हैं। तो डेटा पब्लिकेशन, डेटा अवेलेबिलिटी, ये सब अब्यूज टर्म्स है, हम लोगों को शायद कुछ और चूज करना चाहिए था, बट ये डिस्टिंक्टली डिफरेंट है देन समथिंग लाइक डेटा रिट्रीवेबिलिटी। एक चीज आप सोच के देखो कि आप जब एक ट्रांजैक्शन भेज रहे हो, एक ब्लॉक प्रोड्यूसर जब वो ट्रांजैक्शनल डेटा भेज रहा है एक ट्रांजैक्शनल डेटा जब भेज रहा है, तब उसका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरा डेटा पब्लिश करे, क्योंकि अगर वो पूरा डेटा के बिना एक कुछ भी पार्ट करप्ट करता है तो वो हो सकता है इज अ वल्नरेबिलिटी टू द L2, क्योंकि आपको पास वो वेरीफाई करने का मौका आपको मिलेगा नहीं एक ऑप्टिमिस्टिक रोल अप पे, या फ्रॉड प्रूफ आप टूट सकता है, या फिर एक जीके रोल अप में आप वो नॉन यूजेबल हो सकता है आपका एप्लीकेशन। तो इट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग दैट द एंटायरिटी ऑफ द डेटा इज एक्चुअली अवेलेबल। जब जब प्रणव बोल रहे थे वी विल टॉक अबाउट इरेजर कोडिंग एंड ऑल, जो एक एनालॉजी में हमेशा देता हूँ कि एक सीडी में जब वो स्क्रैच होता था, मुझे पता नहीं आपके व्यूअर्स कितना रिलेट कर पाएंगे, सीडी अभी पुराना हो गया है, बट एक सीडी में जब स्क्रैचेस होता था तब फिर भी सीडी का वो जो गाना है, वो जो फिल्म है, वो तब भी चलता था, बिकॉज वहां पे इरेजर कोडिंग है, वहां पे रिडंडेंसी है डेटा का। तो हम लोग भी अपने अपने लेयर पे वो रिडंडेंसी लाते हैं ताकि इट बिकम्स एक्सट्रीमली हार्ड एक पार्ट ऑफ द डेटा वो सप्रेस करना। तो ये हम लोग जो करना चाहते हैं। रिट्रीवेबिलिटी में क्या है ना कि कोई क्वेश्चन नहीं करता है कि जो डेटा आया है वो सही है या पूरा है कि नहीं, उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं अपना फाइल स्टोर कर रहा हूँ, प्रणव आके ये नहीं बोल सकता कि आपका फाइल गलत है, मैं अपना फाइल को मैं जब भी चाहे मैं स्टोर कर सकता हूँ। एक ही मेट्रिक है कि मैं जो फाइल दे रहा हूँ वो सेम फाइल मुझे वापस भी मिलना चाहिए, दैट इज रिट्रीवेबिलिटी। यहाँ पे ब्लॉक का जो डेटा है वो अगर प्रणव पुश कर रहे हैं तो प्रणव अगर पब्लिश कर रहे हैं तो प्रणव ही करप्ट हो सकते हैं, प्रणव का ही इंसेंटिव हो सकता है कि पार्ट ऑफ द डेटा मिसिंग हो। तो इसीलिए बाकी सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा कि प्रणव कुछ सप्रेस तो नहीं कर रहा है। तो दैट इज द डेटा पब्लिकेशन प्रॉब्लम और द डेटा अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम। तो ये दो बहुत ही डिस्टिंक्ट प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हुआ जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम कभी कभी लोगों का ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि अरे आप बोल रहे हो कि हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, MB वर्थ ऑफ डेटा, आप लोग तो फिर ब्लोट, स्टेट ब्लोट का जो प्रॉब्लम है उसमें ही आप लोग पागल हो जाओगे, इतने सारे ट्रांजेक्शन आप लोग रख रहे हो, तो आपका भी तो ये आपने 5 TB और 15 TB का पॉलीगॉन POS चेन का ये सब बताया है, तो आपका चेन तो एक साल में ही कुछ टीबी का ये गेन कर जाएगा। तो द आंसर टू दैट इज वी विल नॉट कीप द डेटा फॉर एवर, वी जस्ट नीड टू कीप इट फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, जब तक वो फ्रॉड प्रूफ या फिर वो जीके प्रूफ आ नहीं जाता और ये सॉलिडिफाई नहीं हो जाता कि वो ट्रांजेक्शन सही थे, सिर्फ तब तक हम लोगों को डेटा चाहिए। जैसे प्रणव एक एग्जाम्पल में परमानेंटली बोल रहे स्टोर नहीं थे, हाँ होता। एग्जैक्टली, जैसे प्रणव एग्जाम्पल में बोल रहे थे कि ZKEVM में हर 4 सेकेंड 7 सेकेंड में एक एक बैच आता है, वो सिर्फ बैच आता है, वो प्रूफ नहीं आता है, बहुत सारे बैचेस का एक प्रूफ बाद में आता है जो ये सब बैचेस को फुलफिल करके वापस जाता है। तो यहाँ पे भी सिमिलर है कि जब भी वो प्रूफ आ जाए, आपका ये डेटा जो अवेलेबल रख रहा था तब तक, उसका ऑलमोस्ट उसका रोल खत्म हो गया, उसके बाद ओके रखने का जरूरत नहीं है। जैसे अवेल में हम लोग इनिशियली बहुत देर तक डेटा रखेंगे क्योंकि वो एक नया चेन है, बट आइडियली यू डोंट नीड टू कीप इट ओवर अ मंथ, 1 महीने से ज्यादा आपको रखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। जब प्रूफ एक बार इथेरियम के ऊपर पहुंच जाए और आप खुद भी वेरीफाई कर लो इंस्टेंटली जो ट्रांजैक्शन। सो बेसिकली फॉरएवर डेटा स्टोरेज के लिए अवेल नहीं है, उसके लिए आरवी इस तरह के एग्जांपल हैं दैट यू नो यू कैन एक्चुअली ट्राई। एंड इट्स मेजर यूज केस इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्टो इकोनॉमिक सिक्योरिटी से क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी की तरफ ले जाना ब्लॉकचेन्स को। एंड सेकेंड बिगेस्ट यूज केसेस जो कि मतलब इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ दैट इज बेसिकली आप ट्रांजैक्शंस जो लेयर टू पे होते हैं वो बहुत क्विकली हो सकते हैं।
एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर लाइक यू नो वी लेट यू गो, एक बहुत बड़ा ये मेरे ख्याल में सेशन हो गया, एक और सेशन करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ जैसे कि मैंने बताया डेटा अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग को लेके, जिससे पता चलता है कि भाई इतने से डेटा से इतना बड़ा डेटा कैसे वेरीफाई हो जाता है, उसको समझने के लिए, इरेजर कोडिंग को समझने के लिए, कार्टे कमिटमेंट्स को समझने के लिए, जो अवेल की स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है, क्यों आपने पोलका डॉट की जो क्लाइंट है उसको यूज किया, इन सब के ऊपर जाएंगे अवेल स्पेसिफिक एक और सेशन करेंगे होपफुली इफ यू हैव टाइम मे बी नेक्स्ट मंथ और समथिंग लाइक दैट। बट एक लास्ट लाइक यू नो जो चीज जो लोग बहुत इंटरेस्ट करती है, नॉर्मली लोग इतना टेक्नोलॉजिकली शायद नहीं रिलेट कर पाते हैं, पर एक चीज से रिलेट करते हैं वो है मीम्स। और मीम्स के अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग बोलता कि लाइक विद डेटा अवेलेबिलिटी ऐसा, क्योंकि ऐसा लोग मानते हैं कि सोलाना का एग्जीक्यूशन सबसे अच्छा है और सेटलमेंट इथीरियम का सबसे अच्छा है। सो आप बेसिकली सोलाना के एग्जीक्यूशन के साथ इथीरियम का सेटलमेंट यानी सोलाना को लेयर टू बना सकते हो, इथीरियम को लेयर वन बना सकते हो यूजिंग समथिंग लाइक अवेल एज अ डेटा अवेलेबिलिटी लेयर इन बिटवीन। तो ये क्या है, कैसे मॉड्यूलराइजेशन हो जाएगा इथीरियम का एग्जीक्यूशन, कोई भी सेटलमेंट, कोई भी कंसेंसस, कोई भी और डेटा अवेलेबिलिटी कोई भी, और सब कुछ मिला मिला के नई नई लेयर टूज बनेंगी। ये क्या बड़ी लाइक यू नो स्कोप है वेब थ्री का नहीं, ये आई थिंक ये मैच्योरिटी का एक साइन है। मैं तो ऐसे देखता हूँ कि एक आप मतलब एटलीस्ट मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं जब पहले एक बार कोड लिखता हूँ ना, तो मुझे कुछ भी बनाना हो, तो मैं जब पहला पहला इटरेशन ऑफ कोड बनता है तो वो बहुत स्क्रैपी कोड होता है। तो वहां पे क्या होता है कि मैं एक सिंगल फंक्शन में एक मेन फंक्शन हुआ जहां पे मैंने पूरा ही कोड लिख दिया, सिंगल थ्रेडेड और वो नॉट मल्टी हाँ थ्रेडेड। सिंगल थ्रेड एंड सिंगल फंक्शन, कोई भी तोड़ मोड़ नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा मैं बना दिया, कोई एच केस हैंडलिंग नहीं, कोई एरर हैंडलिंग नहीं, कुछ नहीं। तो ये होता है पहला इटरेशन। फिर क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा करके बांट देते हैं कि अरे ये सब एक कोड में तो फिर कोई पढ़ नहीं सकता, मैं कोई एरर केस हैंडल नहीं कर सकता, तो उसको छोटा छोटा करके फंक्शंस में बांट लेता हूँ, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, राइट। तो ऐसे होता है कि जनरल इटरेशन जब जब एक कोड बेस मैच्योर होता है, तब उसको फाइलों में, फंक्शनों में, बहुत सारे मॉड्यूल्स में तोड़ा जाता है। तो अभी वेब थ्री में भी हम लोग वैसा ही एक मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि एक लेयर पे सब कुछ करने का बहुत अच्छा चीज भी है, लेकिन उसका स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम्स भी है, और या फिर अदर वेरीफाइबिलिटी प्रॉब्लम्स भी है। तो इसलिए ऑलरेडी अवेल पे कुछ लोग एसवीएम, जो सोलाना का वर्चुअल मशीन है, वो लेके कुछ बनाने का सोच रहे हैं, राइट। तो ऐसे क्या होता जाएगा कि लोग बहुत ही एप्लीकेशन स्पेसिफिक रोल आउट बनाएंगे। ये हम लोग का एक बहुत बड़ा बेट है कि लोग कस्टम रोल आउट बनाएंगे, जहां पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये एक सोवरेन एक्चुअल रोल अप, रोल, सॉवरेन हो सकता है, वो सेटल्ड हो सकता है, बट द स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन। आज के डेट पे क्या हो रहा है कि हर कोई ईवीएम रोल अप आप देख रहे हो, ज्यादातर रोल अप आप ईवीएम देख रहे हो, लेकिन आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, देर आर थाउजेंड ऑफ रोल एप्स विच आर रनिंग ऑन अवेल टेस्टनेट टुडे, राइट। सो समवन लाइक डायमेंशन इज रनिंग थाउजेंड्स ऑफ रोल एप्स विच आर वेरी एप्लीकेशन स्पेसिफिक, राइट। उनमें क्या है कि बहुत एक छोटा फंक्शन है, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक है एंड बहुत ही मॉड्यूलराइज्ड कोड मिल रहा है। तो ऐसे ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये जो हम लोग लेयर टू लेयर थ्री ऐसे बोलते रहते हैं, मैटर नहीं करेगा कौन सा लेयर पे है, इतना एब्स्ट्रैक्ट आउट हो जाएगा। सब कोई हर एप्लीकेशन के लिए स्पेसिफिक चीजें लेगा जो उसके लिए बेस्ट चॉइस हो। जैसे अगर पेमेंट्स बना रहे हैं तो मैं यूटीएक्सओ लूंगा, मैं शायद इथेरियम का अकाउंट बेस मॉडल ना लू। अगर मैं एनएफटी यूज कर रहा हूँ तो मैं शायद इथेरियम का अकाउंट बेस मॉडल ले लू, या फिर कुछ और ले लू। अगर मैं पैरलाइजेशन चाहता हूँ तो मैं शायद एप्टोस या सुई का मॉडल ले लू, जैसे पॉलीगॉन माइडन कर रहा है, राइट। तो वैसा आप लोग बहुत सारे इटरेशंस देखते रहोगे, जहां पे लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि मेरे एप्लीकेशन के लिए क्या बेस्ट है, क्योंकि मैंने एग्जीक्यूशन को बाहर कर दिया है, मैंने एक्चुअली सीक्वेंसर और ऑपरेटर्स को एक्चुअली बहुत बाहर कर दिया है, और वो कस्टम हो सकते हैं। एंड देन हम लोग बेस लेयर को, जो सिक्योरिटी लेयर है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे इथीरियम हो गए जो सेटलमेंट प्रोवाइड कर रहा है, या फिर अवेल हो गया जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको हम लोग स्पेशलाइज कर रहे हैं फॉर दैट, ओनली दैट पर्पस, राइट। तो आप देखोगे कि ऊपर के लेयर्स भी स्पेशलाइज्ड हैं, एंड देन द फ्रीली इंटरैक्ट। जैसे आप ये भी सोच सकते हो कि टीसीपी आईपी एक जेनेरिक प्रोटोकॉल है जो पूरा
वर्ल्ड वाइड वेब यूज कर रहे हैं, हम लोग अभी भी यूज कर रहे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म कुछ भी ऊपर में क्या फ्रेमवर्क यूज कर रहा है, क्या वेब फ्रेमवर्क यूज कर रहा है, ये वीडियो के लिए क्या ट्रांसक्रिप्ट सिस्टम यूज कर रहा है, क्या एनकोडिंग सिस्टम यूज कर रहा है, वो स्पेशलाइज्ड है फॉर दिस वीडियो, बट TCP/IP को वो फर्क नहीं पड़ता है। इस सम ऑफ द वेज की कोई सोच सकता है इस मोटिवेशन वाह, को। दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग। अगर आप डेक्स बना रहे हो तो अगर डेक्स में आपको फ्यूल का वीएम सबसे अच्छा लगता है तो हमने फ्यूल वीएम यूज किया। उसके अलावा आप एक बेसिकली एक प्लेब डेक्स बना रहे हो जिसमें बहुत छोटे छोटे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो आप जो सेटलमेंट है वो इथीरियम का नहीं लोगे, आप सपोज लोगे BSC का और ऐसा कुछ या और एग्जैक्टली आप एक इंस्टीट्यूशनल डेक्स बना रहे हो तो आप यू विल चूज इथीरियम सेटलमेंट एंड यू विल हैव लाइक यू नो अ लेयर टू जीरो नॉलेज प्रूफ मॉडल लाइक स्टार्कवेयर और समथिंग लाइक दैट। सो हर बेसिकली द फ्यूचर विद डेटा अवेलेबिलिटी इज दैट एवरी डैप विल हैव इट्स ओन रोल अप और वो अपने हिसाब से हर चीज को पकड़ सकता है। वीएम कौन सा लेना है, सेटलमेंट कौन सा लेना है, एवरीथिंग कैन बी एब्स्ट्रैक्टेड आउट एंड कैन बी मॉड्यूलाइज फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक डैप। ये बहुत यस। इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी लास्ट हाउ। चीज, लास्ट चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ठीक है ये सब तो हो जाएगा, बहुत बढ़िया होगा, सब कुछ मॉडर्नाइज हो जाएगा, हर डैप रोल अप बन जाएगा, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क है यूजर फ्रेगमेंटेशन का भी। लाइक यूजर एक्सपीरियंस जो है वो फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे अभी 5 चेन फिगर आउट करने में प्रॉब्लम हो जाता है, मेरा वॉलेट का RPC चेंज करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, कहाँ पे क्या एसेट है याद रखना पड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ा UX फ्रेगमेंटेशन भी प्रॉब्लम है जो कि अगेन अवेल उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है, एंड दैट्स व्हाई वी वांट टू प्रोवाइड अ वेरी यूनिफाइड यू नो एक्सपीरियंस दिस, जो कि बहुत बड़ा एक क्रिटिसिज्म रहा है फॉर दिस मॉड्यूलर एक्सप्लोशन जो अभी हो रहा है, तो वो भी हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। अगेन हैप्पी टू डिस्कस मोर एट अ लेटर पॉइंट। आई थिंक लाइक यू नो दिस इज रियली ऑसम। हर हमको जो हर साइकिल है मार्केट की वो एक डेफिनेटली उसमें कुछ खराब चीजें होती हैं एंड लाइक यू नो बैड थिंग्स फ्लश आउट, बट एक नई अच्छी प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी लेके जाती है जैसा कि आपने बोला मेच्योरिटी ऑफ टेक स्टैक एंड ब्लॉकचेन्स होता है। एंड आई थिंक जैसा हमें इथीरियम मिला था 2017 में, जैसा हमें 2020-21 के अंदर लेयर वन लेयर टूज मिले थे, वैसे ही होपफुली 2024 में डेटा अवेलेबिलिटी मिलेगी, विच विल बी इन माई ओपिनियन इज अ ग्रेट वे टू लाइक यू नो मूव फॉरवर्ड इन द रिवॉल्यूशन ऑफ Web3 एंड ब्लॉकचेन। सो थैंक यू प्रबल फॉर कमिंग एंड एक्सप्लेनिंग इन डिटेल एंड डेप्थ व्हाइट बोर्ड सेशन, जिसमें आई थिंक किसी को भी डेटा अवेलेबिलिटी सीखना है समझना है तो उसके लिए ये पर्टिकुलर सेशन है, वो इसको जाए देखे, उसको डेप्थ में समझ आएगा डेटा अवेलेबिलिटी क्या नहीं है, क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, क्या लाइक यू नो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इन्वॉल्वड एंड व्हाट आर द प्रोग्रेसेस दैट डेटा अवेलेबिलिटी मेक्स टू मेक ब्लॉकचेन्स मोर मॉड्यूलर। सो थैंक्स फॉर इनलाइटनिंग आवर व्यूअर्स एंड होपफुली हम आपको फिर से एक सेशन टू में देखेंगे जिसमें और डीप डाइव करके हम और डीप एस्थेटिक्स ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी को समझेंगे। थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, बहुत मजा आया बात करने में, एज ऑलवेज विद यू, थैंक यू। All right, एक सेकेंड।